स्वागत है आपका फ्रेंड्स इंडी लव चैनल पे और मैं हूं दीपक सिंह और ये है मेरी गर्लफ्रेंड जेनीना। हेलो। सो आज हम बात करने जा रहे हैं चाइना और इंडिया के बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना ने अटैक करके हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया, जो कि बहुत ही दुखद बात है। पर हमको यहाँ देखना चाहिए कि ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है, इसके पहले बहुत सारी चीजें ऐसी हो चुकी हैं उसके नेबरिंग दोस्तों के साथ, नेबरिंग कंट्रीज के साथ। दोस्त हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते क्योंकि चाइना कभी भी किसी को दोस्त मानता नहीं है और इंडिया हर किसी को दोस्त मान के चलता है, जो कि एक बहुत बड़ी खतरनाक बात है हमारे देश के रहने वाले लोगों के लिए। तो बात हो रही है रशिया और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट विच हैपेंड इन 2 मार्च 1969 के रशिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में, जहां चाइना ने एक बिगड़ैल किसान की तरह, जो कि थोड़े थोड़े मेड़ काटते हुए उसे अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी समझने लगते हैं, ऐसा काम किया। चाइना ने स्पेशली 3 महीने की स्पेशल ट्रेनिंग देने के बाद अपने विशेष प्रशिक्षित सैनिकों को स्वघोषित झेंगाओ द्वीप, जिसे रशियंस दमास्की द्वीप के नाम से जानते थे, वहां पे तैनात कर दिया। उस समय रशिया में कोल्ड वॉर चल रहा था, जिसे उसके मोस्ट ऑफ द सैनिक पश्चिमी सीमा पे तैनात थे और ये बात चाइना बहुत अच्छे से जानता था। इस बॉर्डर क्लैश में रशिया के करीब 59 लोग मारे गए और करीब 94 लोग घायल हो गए, जो कि एक रशिया जैसे देश के लिए काफी शर्म की बात थी। अब रशिया ने 4 लाख और चाइना ने अपने 15 लाख सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके बाद रशिया ने अपने लैंड को वापस लेने की कार्रवाई स्टार्ट की, जिसका चाइनीज पहले से इंतजार कर रहे थे। और देखते ही देखते 1 घंटे में रशिया के 2 टैंक तबाह हो गए और 6 घंटे में उनकी 60 टैंक तबाह होने के साथ चाइनीज ने रशियंस को वापस खदेड़ दिया। अब यहाँ पे रशिया में रशियन नेता, जो कि चाइना को अपना अच्छा मित्र मानते थे, उनके दिमाग में बात समझ में आई कि चाइनीज किसी के दोस्त नहीं होते और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की विस्तारवादी नीति का वो भी एक टारगेट हो सकते हैं, जो कि बाद में सच साबित हुआ। अब रशिया के असेंबली में चाइना के ऊपर परमाणु हमला करने की बातें की जाती, लेकिन ये करना रशिया के लिए बहुत कठिन था क्योंकि पहले से ही रशिया पर शीत युद्ध के कारण दबाव था, और उसके बाद अगर रशिया उसके बावजूद परमाणु हमला करता तो उसके कारण विश्व युद्ध की नई शुरुआत हो सकती थी, जिसके कारण रशियन असेंबली में ये डिसीजन नहीं लिया जा सका कि परमाणु हमला करे या ना करे, जो कि बाद में रशिया की हार का कारण बना और रशिया ने अपने एक द्वीप को खो दिया। और आज भी चाइना में के म्यूजियम में रशिया का एक टैंक रखा गया है, दिखाने के लिए लोगों को कि कैसे चाइना ने वीरतापूर्वक रशिया के क्षेत्र को हड़प लिया। इससे हम क्या देखते हैं कि रशिया और इंडिया सेम पोजीशन पे हैं। आज कोरोना पूरे विश्व में फैला हुआ है और चाइना की हमेशा से ये नीति रही है कि जब लोहा गरम हो तभी हथौड़ा मारो, जो कि चाइना आज से पहले भी करता आया है। और हमारे सैनिकों पे ठीक इसी प्रकार से अपने ट्रेनिंग देने के बाद अपने सैनिकों को उनके द्वारा हमारे सैनिकों पे हमला कराया गया। सॉल्यूशन ये है कि चाइना के प्रोडक्ट्स का पूरी तरीके से बहिष्कार करे और चाइना की आक्रामकता का जवाब और ज्यादा आक्रामक तरीके से दे और पूरी दुनिया को इस बात का विश्वास दिलाए कि भारत और भारत के लोग अभी भी मजबूत हैं और किसी भी आक्रमकता का जवाब पूरी तरीके से दे सकते हैं। और देखते हैं कि रशियन लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। सो जेलीना, व्हाट यू थिंक, इन माय कंट्री 20 पीपल आई टोल्ड यू बिफोर दैट डाई इन इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, सो व्हाट यू थिंक अबाउट इट, व्हाट इज योर थॉट्स अबाउट इट? एक्चुअली आई डोंट वांट टॉक अबाउट इट सो मच एंड फॉर फ्यूचर सॉरी फॉर माय इंग्लिश, इट्स नॉट सो गुड, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू माय पोजीशन about this situation. Just sometime, some people in this situation, Chinese, some of them done some stupidity. They decided that they can go on territory of India near border. And as I know, Indians are so patriotic people, so just it was impossible to give up for them without fight. What do you think? All Russian people are with Indians? As I know, most of them will be with Indians. And same friends, same I talk with my American, Israeli and other friends, and all of them are with Indians. So, be strong, be healthy and fight back. Jai Hind. See you soon, friends.
subscribe, like, and support us, friend, that we can improve our content. Thank you, friends. See you soon.